हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे पिटबुल आखिर कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है पिटबुल एक डॉग ब्रीड है, जबकि पिटबुल एक डॉग ब्रीड नहीं, पिटबुल एक डॉग की टाइप है। इसके अंदर चार टाइप के डॉग ब्रीड आते हैं। एक होता है आपका अमेरिकन पिटबुल टैरियर, दूसरा होता है आपका अमेरिकन शेफर्डशायर टैरियर, तीसरा होता है आपका शेफर्डशायर बुल टैरियर, और चौथा होता है आपका बुल टैरियर। तो ये चार तरीके के डॉग ब्रीड होते हैं। कई बंदे इसके अंदर अमेरिकन बुली को ऐड कर लेते हैं। अमेरिकन बुली टैरियर ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, तो इसके चलते उसे यहाँ पे ऐड करना सही नहीं होता। ये है मेन रीज़न जिससे कि आप डिफाइन कर सकते हो पिटबुल। बेसिकली पूरे जितने भी टैरियर टाइप के डॉग ब्रीड हैं ये चार, इनकी एक हेड ब्रीड कर दिया है कि हेड टाइप कर दिया है, इसमें सब ब्रीड आती हैं चार, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है। अगर आप इस डॉग ब्रीड को पालते हो, भले आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस डॉग ओनर हो, आपको इसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इस डॉग ब्रीड को। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते इस डॉग ब्रीड को तो मत पालना, वरना आप ही परेशान हो गए आगे चल के। तो इस डॉग ब्रीड को पालने से पहले आपको इसकी एक्सरसाइज लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी पावर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉग ब्रीड हद से ज़्यादा पावरफुल होती है और इन्हें सोशलाइज ज़रूर कराना पड़ेगा। अगर आप सोशलाइज नहीं करा सकते तो इन डॉग ब्रीड को पालने की गलती मत करना। काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, फैमिली के लिए हद से ज़्यादा लॉयल होते हैं। लोगों ने मिथ बना रखा है इस डॉग ब्रीड को लेके कि ये डॉग ब्रीड एग्रेसिव होते हैं, घर में अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ढंग से रखोगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ढंग से नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डॉग ब्रीड के ऊपर, जो कि है अमेरिकन शेफर्डशायर टैरियर। ये डॉग ब्रीड है जो रजिस्टर्ड है, बाकी कोई भी डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं है। अमेरिकन पिटबुल टैरियर, जिसे कि APBT कहते हैं, उसकी आपको ऑनलाइन पेडिग्री मिल जाती है, और इसकी आपको ऑनलाइन पेडिग्री भी मिल जाती है, इसके आपको KCI के पेपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक डॉग ब्रीड है जो रजिस्टर्ड है, जिसके पेपर मिल सकते हैं। अदरवाइज कोई डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं है पिटबुल टाइप में, तो इस चीज़ को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और ये सारे के सारे जो डॉग ब्रीड में कॉमन है, ये सारे डॉग लॉयल हैं, इजी टू ट्रेन है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप कैसे भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या फिर एक्सपीरियंस डॉग ओनर हो रख सकते हो, बस आपको उनका पर्टिकुलर टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बात करते हैं घर में रखने के लिए, आप बच्चों के साथ बेझिझक रख सकते हो एम्स्टेफ को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ज़्यादा ग्रूमिंग की भी नीड नहीं होती इन डॉग्स को, तो आप बेझिझक रख सकते हो। बात करते हैं अपनी अगली डॉग ब्रीड, जो कि अमेरिकन शेफर्डशायर बुल टैरियर। बेसिकली ये उससे छोटा वर्जन है और इसका हेड साइज़ भी अच्छा खासा होता है। कई लोगों को लगता है अमेरिकन बुली है, जबकि अमेरिकन बुली और इसके आप हेड साइज़ कंपेयर करोगे तो मेजर डिफरेंस आपको दिख जाएगा। बॉडी में भी ये छोटे होते हैं बाकी टाइप में, और साथ में एक जो आता है बुल टैरियर में एक आता है मिनिएचर बुल टैरियर, वो इससे भी छोटा होता है। लेकिन अगर आपको मिनिएचर बुल टैरियर नहीं मिलता और आप छोटे डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहते हो, तो आप शेफर्डशायर बुल टैरियर की तरफ जा सकते हो। ये छोटी डॉग ब्रीड होती है, अपार्टमेंट में आप इजीली रख सकते हो, इनकी एक्सरसाइज लेवल भी बाकी पिटबुल के मुकाबले कम होता है। लेकिन जो टैरियर ग्रुप में होता है, बेसिकली ये डॉग ब्रीड फाइटिंग के लिए होते थे, और बुल की फाइटिंग के लिए हो गए, डॉग फाइटिंग के लिए हो गए, इस तरीके की इनकी हिस्ट्री है। बाद में एज ए नैनी डॉग भी इन्हें रखा गया है, तो आप उस चीज़ से भी आप देख सकते हो अच्छी डॉग ब्रीड है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पालते हो तो। अब बात करते हैं हम बुल टैरियर के बारे में। बुल टैरियर में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं बाकी डॉग के मुकाबले। एक तो इनमें वाइट पिगमेंट होने के चलते इनमें डेफनेस की दिक्कत आ सकती है, वो भी कुछ में आती है, जो बचपन से ही बहरे होंगे बिल्कुल ही उन्हें सुनाई नहीं देगा। वाइट पिगमेंट में होगा खाली, ये दूसरे कलर में नहीं होता, भले वो मिनिएचर हो या फिर बड़े हो जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, दोनों में एक दिक्कत कॉमन है। अदरवाइज़ ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और कई लोगों को शौक होता है पैरेट नोज़ के डॉग पालने का, तो उनके लिए अच्छी डॉग ब्रीड है। ग्रूमिंग कम होती है, फैमिली के लिए हद से ज़्यादा लॉयल होती है, और अफेक्शनेट डॉग ब्रीड है ये एक, मतलब घर के साथ मिल के रहेगी। लेकिन एक्सरसाइज तो इन्हें भी ज़रूरत है, जो पिटबुल टाइप में है वो हर एक में कॉमन है इनका एनर्जी लेवल। अगर आप इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो तो काफ़ी सही है, अगर आप चैनलाइज नहीं कर सकते घर में रखते हो तो थोड़ी बहुत तो तबाही मचाएंगे, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल आई है, यहाँ से वहाँ भागेंगे तो कुछ चीज़ गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती। तो अपने घर को थोड़ा सा संभाल के रखना। अगर आप एम्स्टेफ जा रहे हो तो आपको थोड़ा बड़े घर की ज़रूरत है, पिटबुल में भी थोड़े से बड़े घर की ज़रूरत है, या फिर आप ट्रेडमिल लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बुल टैरियर में मिनिएचर पाल रहे हो या फिर शेफर्डशायर बुल टैरियर पाल रहे हो, तो आप छोटे अपार्टमेंट में भी रख सकते हो, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है। जैक रसल टैरियर जैसे इनका बिहेवियर होता है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि सारे टैरियर ग्रुप का जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली सेम सा ही होता है, हाई एनर्जी लेवल और फैमिली के लिए हद से ज़्यादा लॉयल। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लोगों ने मिथ बना रखे हैं पिटबुल को लेकर कि नहीं पालनी चाहिए, अच्छी डॉग ब्रीड नहीं है, बेझिझक पाल सकते हो, अच्छी डॉग ब्रीड है। और आप लोग भी कमेंट करो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।